अनुगुंज डे टू मेरी अपनी बाइक व्हाइट शूज लग रहे हैं। मेन एंट्री है गेट और ग्राउंड मेरा उस बैक साइड पे पड़ता है। पहुंच चुके हैं, दिस इज स्थिति एंड दैट और बहुत सही अभी एम्बियंस हल्का फुल्का ठंडा। गाइस व्हाट इज अप, वेलकम बैक टू माय चैनल दीपांश आड़ा व्लॉग्स। तो आज हम जा रहे हैं अनुगुंज डे टू। डे फर्स्ट का कल आया था सुखी सिंगर, आपने सुना होगा, और भी इवेंट से डीजे वगैरह था। आज आ रहा है डीजे रैबिट और म्यूजिशियन, और तो मतलब बहुत फन होने वाला है। एंड कल तो मैं अकेले चला गया था, मैंने वहाँ पे ग्रुप ढूंढा, थोड़ा बहुत एंजॉय किया। आई वॉज वेरी लेट, आई रीच अराउंड 7:30। अभी टाइम हो रहा है 3:53, मैं पहुंचता हूँ टाइम से। वियर किया है ये ब्लैक शर्ट व्हाइट शूज, आज नो रेड नो ब्लैक ओनली व्हाइट। उससे पहले भी मैं GoPro की थोड़ी सी फुटेज शूट कर रहा हूँ, और मेरी किसी से बात हुई है अभी IG पे, तो वी गोना मीट। तो मैं आज किसी के साथ जा रहा हूँ। कल आ रहा है अरमान मलिक डे 3, और कल बहुत से लोग आने वाले हैं, बहुत सारे कॉलेजेस के, और मेरे ही बहुत नोन आने वाले हैं, तो कल बहुत ज़्यादा अल्टीमेट होगा। एंड आज उससे भी ज़्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि आज है DJ नाइट रैबिट और। एंड मैं रास्ते में फुटेज दिखाता हूँ, और थोड़ा GoPro से शूट करेंगे आज। उससे पहले मेरा थोड़ा बाइक का कुछ, मैंने IG के लिए कंटेंट शूट करना था, तो आई एम गेटिंग लेट। तो टाइम से जाएंगे तो भाई जा पाएंगे, वरना दिक्कत होती है पार्किंग वगैरह के लिए वहाँ पे, और एंट्री में भी फिर होती है प्रॉब्लम। तो लेट मी रीच ऑन टाइम एंड बाकी ऑल सेट ऑल गुड। तो इट्स अ गुड डे, इट्स अ गुड स्टार्ट, लाइक इट्स आफ्टरनून, इट्स गोना बी इवनिंग नाउ। एंड तो मैं फिर वो GoPro की थोड़ी फुटेज शूट करता हूँ, और कुछ ब्लॉग में भी दिखा दूंगा, एंड जो जो कंटेंट निकाल सकता है निकालता हूँ, फिर आपको फुल इन्जॉय करेंगे, फन करेंगे वहाँ पे। दिखाता हूँ मैं आपको फेस्ट का क्या सीन होता है जो नहीं गए, और इसमें कोई एंट्री पे भी नहीं करना पड़ता आपको, इट्स जस्ट कि आपके पास IPU का ID कार्ड होना चाहिए, दैट्स इट। चलते हैं, मिलते हैं वहाँ। मेरी अपनी बाइक तो मैंने वॉश कर दी थी, क्योंकि हम तरीके से ले जाएंगे, और मैं ध्यान पूरा रखता हूँ, एक साल होने वाला है अपनी बाइक को भी। और मैंने एक चीज़ और नहीं बताई कि बाइक का नंबर है 1818 18 18, ये इसलिए क्योंकि मेरा बर्थडे आता है 18th October को। एंड ये 46 वैलेंटिनो रॉसी का स्टिकर जो यहाँ से विन करता है, और ये आइस एंड विद दैट जो भी आइज होती है, और एक गुची वाला स्टिकर मेरा, तो लेट्स गो। और एक यहाँ पे स्पाइडरमैन वाला कीचेन था, और फ्यूलिंग मैंने करवा ली थी, अभी वो सेल्स ऊपर आ जाएंगे, तो मैं ट्रिप ज़ीरो कर देता हूँ, फिर निकलते हैं। कर दिए अंदर, एंड मैं ये रखता हूँ कहीं पे हैंड अपना हेलमेट एंड ग्लव्स, फिर चलते हैं। तो आज टाइम से आए हैं भाई, कल बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। तो आज का मेरा आउटफिट है, मेरे वाइट AJ1, और ये मेरी ब्लैक शर्ट वॉच, और आज ब्लैक पैंट, और ये मैंने न्यू स्पेक्टेकल्स बनवाए हैं, बता रहे हैं कैसे लग रहे हैं। एंड बाइक तो मुझे चमकती रहती है, तो हमारे पास ब्लॉग के लिए कंटेंट और आ रहा है अभी, तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। सनबर्न है 11:12 को, तो देखते हैं अगर वहाँ भी बनता है प्लान तो विल गो। बाकी लेट्स गो इनसाइड, विल हैव फन। मैं विम्सी से मिलवाते हो कैमरा के पीछे आज, ठीक है? ओके गाइस बाय। मेन एंट्री है गेट, और बहुत सही, अब थोड़ा ठंडा ठंडा भी हो रहा है। एंड जैसे हम रास्ते में आए तो बहुत धूप हो रही थी विम्सी, बहुत। वी आर इनसाइड द यूनिवर्सिटी नाउ एज ऑफ। विम्सी नहा के आया आज? हाँ भाई नहा के आया, नहीं तो हमारे पास ऑप्शन था शावर का, मज़ा तो आएगा, अब मज़े भी चाहिए तेरे को। तो भाई ये पीछे ग्राउंड है यहाँ बहुत बड़ा, और यहाँ ना ब्लॉक्स बने हुए हैं बड़ी बड़ी, यूनिवर्सिटी काफ़ी बड़ी है। फुल ऑन भीड़, यहाँ पे DJ लगता है 1 बजे ये बास्केटबॉल कोर्ट में, और फॉर मैग एंड तिथि दे आर कमिंग। टिल देन मैं आपको थोड़ा सा ना यूनिवर्सिटी का ओवरव्यू देता हूँ यहाँ से, तो हम कहाँ खड़े हैं अभी इस टाइम पे। तो ये पीछे हमारे बास्केटबॉल कोर्ट है, जहाँ पर 1 बजे DJ होता है, कल भी होगा, कल भी था और आज भी था, लेकिन आज मैं टाइम से आ नहीं पाया, लेट आया हूँ, तो फिर वो मेरा स्किप हो गया, और वैसे भी गर्मी में नहीं हो पाता। लास्ट ईयर मैंने अटेंड किया था तो वो ऑसम था, एंड वो तब भी शाम को होता था। एंड ये और ग्राउंड मेरा उस बैक साइड पे पड़ता है, जहाँ पर स्टॉम ग्राउंड है, जहाँ पर मेन मेन स्टेज लगा हुआ है। यहाँ के हॉस्टल
तो हॉस्टल ये हो गया, और ये हमारे जो बिल्डिंग्स हैं ब्लॉक्स हैं, इसके बैक साइड पे भी ब्लॉक्स हैं, एंड इनके स्पॉन्सर बहुत सारे हैं। ऐसे फ्रूट पहुंच चुके हैं, दिस इज स्थिति एंड दैट ओ कौन है तेलाई जड़ा चुआउदा तेरा यार नी। अभी लौंड तुमसे मिलवाता हूं, पहले लड़कियों से मिलवा दूं, थोड़े सब्सक्राइबर खुश हो जाएंगे। तो ऐशिका, हां तो हमारा मन था, हमें ना ऐसे आवाज आ रही थी तो यहाँ आए, तो लेकिन यहाँ तो रामलीला चल रही है, दिखा तो और मीट विम्सी, विश्वास एंड भाई करण, करण अर्जुन, अच्छा मानव धमाल वाला भाई, आपका गुड नेम क्या था? अभिषेक भाई से आई टू कैमरा। बस भाई भाई इतनी चढ़ाई होगी तो गाने चल रहे हैं वहाँ पे, डीजे वीजे चल रहा है, थोड़ा वहाँ चलते हैं नाच के आएंगे, वहाँ पे बोर हो गए थे बैठे बैठे। क्या कह रहे हैं भाई? चले भाई, अबे रैबिट और नहीं, मत समझना ये वैसे गाने वाने चल रहे हैं, बट डांस तो करके दिखा दो एक बार, गुपचुप गुपचुप तो कर दो। फुल चार्ज हो रखे है, फुल है, फुल स्नैपे स्नैपे बन रही है आज है। Invincible। देखो रात को कितना सही व्यू है, सो हम डांस करके आ चुके हैं, तो it's 8:19 एंड भाई बहुत ऑसम है इस टाइम पे। तो यही चीज़ें होती हैं जो आप कॉलेज लाइफ में एंजॉय कर पाते हो, और कॉलेज अटेंड करने का यही है, पढ़ो भी साथ साथ फन भी करो, और बहुत सही अभी एम्बियंस हल्का फुल्का ठंडा, थोड़ी गर्मी एंड बढ़िया एकदम, पानी पीते फिर बात करते हैं। गाइस वी आर अबाउट टू रीच इन द स्ट्रॉन्ग ग्राउंड, डीटीओ में ना स्ट्रॉन्ग ग्राउंड कहते हैं उसको, यहाँ पता नहीं आईपी में कहते हैं। तो ईडीएम नाइट स्टार्ट हो चुकी है, लेट्स गो। मुझे घर जाके फॉलो करोगे पक्का? मेरा नाम क्या है? दो बार मेरा नाम बोलो, तीन बार मेरा नाम बोलो, बजा देंगे आप, फिर फॉलो कर लेना घर जाके, ठीक है? मैं इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, आर्टिस्ट हूँ। एंड एक ये नोट सुन लो, इसके बाद बजाएंगे चलो, ठीक है? आई वॉन्ट टू थैंक्स मिस्टर पद्मश्री डॉक्टर महेश वर्मा सर, प्रोफेसर मनप्रीत कांग, वंदना मैम, एंड स्पेशल थैंक्स टू डॉक्टर गुलशन धमीजा फॉर इनवाइटिंग मी। अभी तो जा रहे हैं, हो गया टाइम, फिर कल मिलते हैं डे थ्री, कल अरमान मलिक एंड अभी मिल के पहुँच के बात करते हैं, थोड़ा लाइट वाइट होगी ना, थक गए बहुत दोनों। टाइम हो रहा है 9:03, बाइक उठाते हैं चलते हैं, पार्किंग में खड़ी है, लेट हो गए काफ़ी, पे एग्जिट फिर बाहर वेट करें फ्रेंड्स मेरे, मिलता हूँ। अगर वहाँ फिर से कुछ खा लिया है तो हमने बाइक स्टार्ट कर लिया, निकाल लिया है एंड निकलते हैं यहाँ से। ओ पेट भर गया मेरा, ये तो रात को गाइस टाइम हो रहा है, और वह भैया मेरे साथ है, क्या है वह भैया? तो अभी हम स्ट्रेच मारा है हमने, कितने किलोमीटर्स का? 20 किलोमीटर, 20.4 किलोमीटर, KTM 200 2022 R15 M 2022 नंबर, बढ़िया बढ़िया, मेरी 1818, इनकी है 4343, और ये है बोंटा वारकोली रोड। अभी हम वहाँ से निकले थे सिग्नेचर ब्रिज होते हुए, बताओ भाई कौन सी बाइक ज़्यादा एग्रेसिव या अट्रैक्टिव लग रही है? मुझे तो दोनों ही पसंद है,
आपकी कौन सी फेवरेट है कमेंट करके जरूर बताना। और ये पीछे कश्मीरी गेट, पहले हम फॉर्च्यूनर पे ब्लॉग करा करते थे, हॉन्टेड ब्लॉग, तो आपको याद हो। तो बाइक्स पे फिर से हमने थोड़ा राइड वाइड स्टार्ट कर दिया, लेट्स गो। आगे का थोड़ा दिखाते हैं, घुमाते हैं, फिर चलेंगे घर की तरफ थोड़ी देर में, ठीक है। सो गाइस, ये वो चर्च वाली रोड है, रात की बज रहे हैं 1:46 और ये सामने चर्च। अब तो यहाँ पे लाइटिंग वाइटिंग हो गई है। आज की राइड यहाँ पे एंड होती है 2:13 पे 93.3 किलोमीटर, टेम्परेचर 86 डिग्रीज बाइक का, और जो हमने अभी नाइट में कवर किया हुआ 37.7 और टोटल चल गई है 8,100 किलोमीटर एक तरीके से। एंड फ्यूल टैंक खाली कर दिया ऑलमोस्ट, तो फिर से इसको रिफिल कराएंगे, रोज़ ही करवाना पड़ रहा है आजकल। मज़ा आ गया फिर राइड करके, मतलब सांस में सांस आ गई है, सुकून पड़ गया यहाँ पे। हाँ हाँ, सुकून सा पड़ गया, दूर सा लग रहा था कुछ। तो इसका स्पीडोमीटर कुछ ऐसा, मेरी बाइक का कुछ वैसा, एंड दोनों ही मस्त है चलाने में, बढ़िया। चलाते हैं तो तुम नहीं छोड़ते हो, हैं बाइक पे आते हैं तो तुम नहीं छोड़ते हो, क्या हो गया भाई, क्या हो गया, क्या हो गया। रात के 3:19 और खाने पीने की क्रेविंग नितिन भाई को, तो अपना कुछ खाने पीने का करवा रहे हैं। फिर यहाँ से मोदी भी ने आया, मैंने एस पी कुछ कहना चाहोगे आप? कुछ नहीं यार, मेरे को फिर राइड करनी भाई 100 किलोमीटर करवा दिए इन्होंने मजाक में। वो जैसी हमने वीडियो बना ली ना वैसी भाई इसकी लाइट डिम हो गई, पता नहीं कैसे, है ना। तो अब इसके बाद जाएंगे हॉटस्पॉट, वहाँ हल्का फुल्का खाने का देखेंगे, मोदी मिनिया इज ओके, शेक पीने का मन है। एंड बाकी यार इनसे मन नहीं भरता मेरा, दोनों ब्यूटी से ना, मतलब कि बस राइड करवा लो हमसे, जितनी मर्जी राइड करवा लो, राइड कितनी भी करवा लो, राइड नहीं ख़त्म हो सकती। 100 किलोमीटर हो गई हमने कर दी है। गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर।